अगली खबर आ रही है अयोध्या से, जहां अयोध्या जनपद की भदरसा नगर पंचायत का विस्तारीकरण हो गया है और ऐसे में चुनावी आहट के साथ ही संभावित उम्मीदवारों की चहलकदमी भी तेज हो गई है। हालांकि दलगत उम्मीदवारों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, मगर भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदारों की कुछ ज्यादा ही भरमार है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनोज कुमार गुप्ता हालांकि इन दिनों एक दुर्घटना में घायल हो गए हैं, मगर उनका जज्बा अभी भी जवान ही है। 2012 एवं 2017 का चुनाव दमदारी से लड़ने की बाद इस बार वह टिकट के प्रबल दावेदार की दौड़ में शामिल है। मनोज गुप्ता ने एक मुलाकात में मीडिया से अपनी दावेदारी के बाबत जानकारी देते हुए बताया कि वह सेक्टर के अध्यक्ष तथा पूर्व बूथ के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल चुके हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भरत कुंड का विलय भदरसा नगर पंचायत में होने के बाद वहां के सर्वांगीण विकास एवं विश्व स्तरीय नवनिर्मित भरत कुंड की स्थापना उनकी संकल्पना होगी। कर रहा हूं, बैकवर्ड जाति से मैं आता हूं, 10 वर्ष से मैं जनता की सेवा की करता चला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैं वर्ष 2017 में चुनाव लड़ा, लगभग 22.5 वोट हमको प्राप्त हुए। जनता का सहयोग और सभी जनता का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, तो मैं 2022 का चुनाव भारतीय जनता के पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए मैं पूरी तरह से अपना योगदान देना चाहता हूँ। भरत जी का आशीर्वाद रहा तो पार्टी, माननीय जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी, सांसद जी लल्लू सिंह जी, विधायक हमारे अमित सिंह चौहान जी, सभी लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। कहीं से किसी तरफ से कोई वो नहीं है। पार्टी का मैं पूजा, नाली निर्माण, पानी व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ये सब तो सभी लोग जनता की सेवा के हित के लिए बात करते हैं, और साथ ही साथ भरत जी की तपोस्थली पर निवास मैं करता हूँ। सर्वप्रथम भरत जी के लिए मैं अपना योगदान करूंगा, अगर जनता उस लायक हमको सेवा करने का अवसर देगी। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।